सत्री अकाल, केम छो तमे, मजा माने, कशे आहत तुम्ही, मज्जेत ना, मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड वन के बच्चों के लिए, और इसके पहले भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं मैथ्स और इंग्लिश के लेसन्स। अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक और आज आप पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, तो प्लीज़ जाइए शालिनी उबलीकर चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, तो आपको मेरे सारे वीडियोस जो आने वाले हैं आगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और जो मैं लाइव स्ट्रीम में आकर आप लोगों को सिखाऊंगी उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। फिर तो बड़ा मज़ा आएगा, है ना, हम लोग लाइव में सीखेंगे तो, और आपके जो भी डाउट है वो भी हो जाएंगे क्लियर। और फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच, हाउ स्वीट ऑफ यू। और लाइक करना मत भूलना मेरे वीडियो को, ओके, कर दिया आप लोगों ने लाइक, ओ थैंक्स अ लॉट, अगेन हाउ स्वीट ऑफ यू। तो अभी आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएस तक के बच्चों के लिए मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स, निबंध लेखन, पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, एक चैनल और सब कुछ मिलेगा आप लोगों को उसी में, जिसका नाम है शालिनी उबलीकर। सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो सारी वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत फेमस हो गया है अपना ये चैनल, तो है ना अपने लिए खुशी की बात। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो, जो बेचारे बच्चे घर में बैठे हैं जो कहीं जा नहीं सकते उन लोगों के लिए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ अपना जो चल रहा है फिफ्थ लेसन, फाइव लेट्स लर्न अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी क्या, आप लोगों को पता है ना, आप लोगों ने सीखा है ना अल्फ़ाबेट, बोलो बोलो। अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच, कैपिटल लेटर तो लिखा आप लोगों ने, और स्मॉल लेटर्स भी आपको भी आता है, ठीक है। लेकिन एक बार हम लोग नज़र डालते हैं स्मॉल लेटर्स के ऊपर और कैपिटल लेटर्स के ऊपर भी। अभी स्मॉल लेटर्स में देखो कैसे लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने हमें क्या दिया है अभी देखते हैं। पहले प्रिपेयर सेवरल सेट्स ऑफ लेटर कार्ड्स यूजिंग दीज एंड अदर इंटरेस्टिंग आइडियाज, लेट द चिल्ड्रन हैंडल द कार्ड फ्रीली, रिप्लेस डैमेज्ड, क्या लिखा है भाई यहाँ पर, तो ये कट हो गया है, सी यानी कार्ड ही होगा मोस्टली, डैमेज्ड कार्ड, अगर ख़राब हो गया है कोई कार्ड तो उसको रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो देखो टू, टेल अ वर्ड दैट बिगिंस विथ एनी लेटर, अभी कोई भी एक वर्ड आपको बोलना है, ठीक है। अभी कोई भी एक वर्ड आप बोलेंगे तो उसका भी कोई लेटर होगा क्या, नहीं। अभी जैसे टेबल, टी फॉर टेबल, बैट, बी फॉर बैट, कैट, सी फॉर कैट, डॉग यानी डी फॉर डॉग, एटसेट्रा, ओके। अभी लुक एंड से, अभी हम लोग लिख रहे हैं कैपिटल लेटर्स। अभी देखो थ्री, लुक एंड से, देखो और बोलो। अभी कैपिटल लेटर्स तो आप लोगों को पता है ही, क्योंकि आप स्मार्ट स्टूडेंट्स हो ना, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट्स, ओके। तो कैपिटल लेटर्स जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ओके। ये तो तुम लोगों को पता है ही, है ना। तो
बताओ अभी यहाँ पीछे इन्होंने हमें क्या दिया है भाई, ये भी तो देखते हैं। हाँ बोलो अभी। फोर, अरेंज द फॉलोइंग लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी यहाँ पर इन लोगों ने हमें कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, तो उन्हें हम लोगों को अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसे कहते हैं? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसमें हम लोगों ने, इन लोगों ने हम लोगों को पहले स्मॉल लेटर्स दिए हैं, फिर इधर कैपिटल लेटर्स भी दिए हैं। तो अभी इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लोगों को अरेंज करना है, तो अभी देखो यहाँ पर इन्होंने दिया हम लोग को डी के डब्ल्यू ए, है ना। तो अभी ए बी सी डी में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? ए। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए। फिर ए बी सी डी, देखो ना यहाँ पे तुम लोग को पता चलेगा ना, ये देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच। अभी क्या दिया है इधर यहाँ पर हम लोगों को? डी। तो ए के बाद क्या आता है? डी आता है। ओके, फिर ये आ गया यहाँ पर डी। डी के बाद डब्ल्यू पहले आता है या के पहले आता है? देखो के पहले आता है ना, डब्ल्यू बाद में आता है ना, तो यहाँ पर आएगा के, फिर उसके बाद लास्ट में आएगा डब्ल्यू। अभी इसमें भी सेम ऐसा ही होगा। अभी बी ई जे बी वाई एस दिया है यहाँ पर। तो इन अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? बी। ए बी आता है ना, तो बी फॉर बॉल। फिर उसके बाद बी के बाद कौन सा दिया है इन लोगों ने हम लोग को? ई आता है, जे आता है, वाई आता है, एस आता है ना, फिर आता है ई। तो हम लोग लिखेंगे ई, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर थर्ड आता है जे, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे हो गया के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ओके एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स के बाद आता है वाई। ओके, समझे? है ना आसान? तो अभी देखो फाइव इन्हों ने दिया है अल्फाबेट गेम। अभी अगर तुम लोग स्कूल में होते तो टीचर तुम लोगों से ये गेम खिलाती थी। स्टैंड इन अ रो अल्फाबेटिकली एज पर द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। अभी आप लोगों के नेम है ना, है क्या नहीं? आप लोगों को नाम, नाम दिया है ना आप लोगों को नेम? बोला अभी आप लोगों के नेम्स बताओ मुझे। चलो सबसे पहले तो ए लेटर से किसका नेम स्टार्ट हो रहा है वो सबसे पहले खड़ा होगा, फिर बी लेटर से स्टार्ट होने वाला, सी लेटर से स्टार्ट होने वाला, ऐसे अल्फाबेटिकली हर एक बच्चे के नाम के हिसाब से उसे खड़ा करेंगे। तो ऐसा ये एक गेम है जो स्कूल में अगर टीचर होती तो तुम लोग को खिलाती थी, लेकिन मैंने आप लोग को आइडिया बता दिया है। फिर सिक्स में दिया है लुक एट माई कार्ड एंड शो अ मैचिंग कार्ड द सेम लेटर। फिर ये जो कार्ड्स हम लोगों ने पहले बनाए थे ना ए बी सी डी के, वो कार्ड और आपके लेटर से मैचिंग कार्ड वाले को दोनों को आजू बाजू में खड़ा करना। जैसे बी है तो जिसके पास बी है वो खड़ा रहेगा, तो इस तरह से। फिर इसके बाद सेवन में आप लोगों को दिया है लिसन टू द नेम ऑफ द लेटर एंड शो इट्स कार्ड। अभी फॉर एग्जाम्पल बी अगर बोला तो बी जिसके पास है वो अपना कार्ड दिखाएगा, सी बोला तो सी जिसके पास है वो अपना कार्ड दिखाएगा, आई थिंक सो, एंड ए है वो अपना कार्ड दिखाएगा। एट, लुक एट द स्मॉल लेटर ऑन दिस कार्ड एंड शो द कैपिटल लेटर। अभी स्मॉल लेटर देख के उसका कैपिटल लेटर क्या है वो आप लोगों को बताना है, जैसे कि अभी यहाँ पर इन लोगों ने हमें लिख कर दिया हुआ है। स्मॉल लेटर में भी दिया है और कैपिटल लेटर में भी दिया है। ओके, तो इस तरह के कार्ड्स बनाकर आप लोगों को गेम के साथ साथ अल्फाबेट का नॉलेज भी आ जाएगा इसके लिए। ओके, फिर उसके बाद टेन में दिया है इन लोगों ने आपका बहुत ही फेवरेट मैच द कैपिटल लेटर विद द स्मॉल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर्स कहाँ पर है दिखाओ जरा मुझे, और स्मॉल लेटर्स कहाँ पर है?
करेक्ट, ये है कैपिटल लेटर्स और ये है स्मॉल लेटर्स। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इनका क्या, मैचिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले H, तो H को हम लोग करेंगे मैच H से। I को करेंगे मैच I से। और M को करेंगे मैच M से। फिर W को करेंगे यहाँ से मैचिंग। N को करेंगे यहाँ से मैचिंग। P को करेंगे यहाँ से मैचिंग। S को करेंगे यहाँ से मैचिंग। F को करेंगे यहाँ से मैच। D को करेंगे यहाँ से मैच। और E को यहाँ पर किया हमने मैच। हो गया, तो इस तरह से हमारा ये जो मैचिंग है वो हो गया है कंप्लीट। ओके, नाउ 11 वर्ड गेम। टेल अ वर्ड दैट डज नॉट स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम। इफ यू मेक अ मिस्टेक यू विल बी आउट ऑफ द गेम। तो आप लोग का नाम जिस वर्ड से स्टार्ट होता है ना, वो वर्ड छोड़ के आपको कोई भी वर्ड बताना है। अगर आपने आपके नाम वाला वर्ड लिया तो आप लोगों को फिर गेम से आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका नाम है हसन तो H है ना, तो H छोड़ के आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। अगर आपने H नाम का वर्ड कुछ भी बोल दिया तो फिर आप गेम से हो गए आउट। ठीक है, तो ये सब स्कूल में होते ना तो बहुत मज़ा आता था तुम लोगों को। तो इस तरह से ये जो लेसन है मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। और आपका जो अगला लेसन है वो है फ्रेम वर्ड्स, तो मैं सिखाऊंगी आप लोगों को बहुत जल्दी ही। और बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ा आने वाला है हम लोगों को ये लेसन सीखने के लिए। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को मेरे चैनल का लिंक, और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो फिर जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।